और मेरे भाई लोग नमस्ते, और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये वीडियो है माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैं दे दूंगा। तो बिना कोई वक्त गुजारे लेट्स गो। हैक नंबर 1। सो इस हैक में हम बनाने वाले दलदल। तो उसके लिए आपको सिर्फ चार चीज़ें चाहिए, जो है सिर्फ सैंड, सोल सैंड, वाटर और कॉब वेब। तो यही चार चीज़ें आपको चाहिए, तो ये सब आप ले लीजिए और एक अच्छी सी जगह डिसाइड करिए जहाँ आपको ये ट्रैप बनाना है। ठीक है, तो ये डेजर्ट एरिया में ही काम करती है। ठीक है, बाहर भी करती है बट अच्छे से नहीं करती। ठीक है, डेजर्ट एरिया में अच्छे से करती है। ठीक है, तो यहाँ मैं डेजर्ट टेम्पल के सामने करता हूँ। यहाँ 4x4 का एक गड्ढा डिग करना है 4 ब्लॉक नीचे। ये जल्दी से कर दो। सो इतना होने के बाद यहाँ नीचे आपको जो सोल सैंड लगा देनी है। सोल सैंड लगाने के बाद आपको उसके ऊपर 2 ब्लॉक ऊपर से आपको पानी डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ, और पानी के साथ साथ ऐसे बबल्स भी आने चाहिए बाहर। जैसे मैं अभी देखो 2 ब्लॉक ऊपर से अभी पानी डालता हूँ, और देखिए चारों ओर से जैसे यहाँ बबल्स निकल रहे, वैसे आपके यहाँ से भी निकलने चाहिए। ठीक है, तो इतना होने के बाद इसके ऊपर आपको जो है सैंड डाल देनी है। ठीक है, सैंड को प्लेस कर देना जिस तरह, और ये सैंड से फ्लोट कर उस तरह फ्लोट करनी चाहिए। ठीक है, और जैसे वो नीचे जाए वह आपको स्ट्रिंग लगा देनी है या कॉब वेब लगा देनी है। ठीक है, जैसे कॉब वेब आप लगा दोगे इस तरह से, तो ये देखो ऊपर धीरे धीरे से आ जाएगा। जैसे चारों ओर ऊपर आ जाएगा तो ये जो दलदल तैयार है। ठीक है, जैसे कोई अंदर जाएगा देखो ये फंस गया, और इसमें क्रिएटिव में ही निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप समझ सकते हो अगर कोई सर्वाइवल में यहाँ फंस जाए तो कितना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए और कुछ देर बाद ये टूट जाती है। जैसे अभी देखो सारे सैंड टूट जाएगी, देखो ये टूट गई अपने आप। देखिए तो इस तरह टूट जाती है थोड़ी देर में। तो यही था हमारा हैक नंबर फर्स्ट। तो लेट्स गो फॉर हैक नंबर सेकंड। हैक नंबर 2। सो बेसिकली मैं अभी एक बिल्ड बनाने वाला हूँ कोबलस्टोन का, जिससे आप कोई भी एंटिटी जैसे स्केलेटर या जॉम्बी को आर्मर पहना सकते हो, और साथ ही साथ एक फॉक्स जो है उसको भी आप आर्मर पहना सकते हो। तो उसके लिए आपको छोटा सा कोबलस्टोन डिस्पेंसर और लीवर का एक बिल्ड बनाना पड़ेगा, जिसे मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे देख के सेम टू सेम वही बना दो, जैसे अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी वो स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, अभी उसके ऊपर पहले एक दिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर एक और लेयर आपको लगा देनी है, जैसे अभी मैं लगा रहा हूँ सिर्फ एक को छोड़ के। Nope. ठीक है, जैसे आप लगा दो उसके ठीक पीछे एक और कोबलस्टोन लगा देना है, और इसके ऊपर आपको ठीक अंदर की फेस करते हुआ एक ये लगा देना है डिस्पेंसर। तो इसको लगाने के बाद इसके पीछे आपको एक ये लगा देना है लीवर। ठीक है, इतना होने के बाद मैं ऊपर एक छत लगा देता हूँ, नहीं तो जो स्केलेटर या कोई भी अगर मैं मॉब डालूंगा वो चले ना दिन से। ठीक है, और ये नीचे से मैं अभी तोड़ लेता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपको इसमें आपका पूरा आर्मर डालना है जो उसको पहनाना है आपको। ठीक है, जब मैं मेरा नेदराइट का आर्मर डाल देता हूँ इसमें, और अब उसमें मैं एक स्पॉन एक डालता हूँ जिससे स्केलेटन वहाँ स्पॉन हो जाएगा। अब से आपको लीवर बंद चालू करते रहने, देखो वो आर्मर पहन रहा है नहीं। देखो अब इसने पूरा आर्मर पहन लिया है। अभी एक नॉर्मल स्केलेटन को मारता हूँ, देखो सिर्फ 3 हिट्स में मर रहा है, और वही अगर ये आर्मर्ड जो स्केलेटन है अगर मैं उसको मारता हूँ, देखो कितना हिट्स को मारना पड़ता है मुझे। देखो अभी मैं पहला हिट मारता हूँ, उसको बाहर निकालता हूँ, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर का। ठीक है, अभी ये बाहर आएगा, ये आ रहा है, अभी इसको मारता हूँ पहले। रन। अच्छा भाई मर गया, मर ही नहीं रहा भाई वो। ठीक है, देखो कितने हिट्स मारने पड़ रहे इसको, तभी भी ये नहीं मर रहा। ओ फाइनली। Few moments later. सो अभी बारी है फॉक्स की, तो अभी दिखाता हूँ मैं नॉर्मल फॉक्स को मार के, इससे वो सिर्फ 3 हिट्स में मरता है। देखो नेदराइट शॉट से, अभी इसको देखो मारता हूँ पहले मैं एक हिट। अरे भाग मत यार, दूसरा हिट, और ये अभी देखो तीसरा हिट, मर गए वो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम आर्मर पहनाते हैं पहले, कैसे आर्मर पहनाते हैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉक्स को डाल दिया, अभी मैं आर्मर डालता हूँ। ठीक है, अभी मुझे आर्मर निकालने दो।
Few moments later. तो अभी मैंने आर्मर नहीं लिया, अब इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो पैंट्स बूट्स और कोई ऐसा नहीं कि आप सीरियल वाइज लगाओ कि पहले हेलमेट फिर वेस्ट, कैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं बटन चालू बंद करता हूँ। तो अभी ये देखो, ये पहन लिया इसने। अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि आपको इसने आर्मर कैसे देखा, बट इसने आर्मर पहन लिया। अभी देखो मैं इसको कितना मारता हूँ, फिर भी ये नहीं मरने वाला। देखो अभी इतने दो हिट तो अभी मार भी दिए इसको, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। अब ये तीसरा हिट, चौथा हिट, ठीक है, इसे मार दूंगा। देखो कितनी देर इसको लगने वाली है मरने के लिए। नॉर्मली वो तीन हिट्स में मर जाता है ब्लड के स्पॉट सर। अभी मैं देखो कितना मार रहा हूँ उसको। रन इसको, बहुत हिट्स मारती है। तो मरने के बाद तू ड्रॉप करता है। हैक नंबर 3। I got a bad feeling about this. So यहाँ मैं कुछ करना चाहता था पार्कोर टाइप, पर मेरे से तो नहीं हुआ, मैं फेल हो गया उसमें, ठीक है। तो आपने देखा मैं हवा में तैर रहा था, वो तो सिर्फ मैंने एक कमांड डाल दिया था और एक ब्लॉक ले लिया था उससे। वो कमांड बहुत सिंपल है, आप भी डाल सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ लिखना है give@barrier, ठीक है। तो ये सब आप डाल दो, जहाँ मैं अपने नीचे आप देख सकते हो वॉल स्क्रीन पे, तो वो कमांड आप भी डाल दो और आपको भी मिल जाएगा बैरियर, ठीक है। ये क्रिएटिव में ही सिर्फ आपको दिखेगा, सर्वाइवल में नहीं दिखेगा। क्रिएटिव में जब आप हाथ में पकड़ोगे तभी आप वो बाकी के दिखेंगे, जैसे आप ऊपर देख रहे हो। तो उससे मैं किया था ये, आप बहुत सारे पार्कोर वीडियोस में आपने देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा, ये वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, बट वो इनविजिबल होता है इसलिए आपको नहीं दिखता। सो अभी मैं यहाँ एक देखो टेम्प्ररी स्टेयरकेस बनाया है, ठीक है। अभी तो आपको दिख रहा है, बट जैसे मैं हाथ से इसको हटाऊँ तो आप देख सकते हैं ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह वो भी करते हैं, ब्लॉक के साइड में वो लगा देते हैं और फिर जंप के टाइम वो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सारे लोग ये यूज़ नहीं करते, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई कोई यूज़ करता है, कोई कोई नहीं करता है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह का करना चाहता था इससे और इससे आगे, ठीक है, पर मुझसे तो ये नहीं हो रहा, ठीक है, आपसे होता कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा हैक नंबर 3। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 4। सो इस हैक में बताऊंगा कैसे आप एक क्रॉप को तोड़ोगे, जैसे आप यह कैरेट को तोड़ोगे तो आपको एक या दो स्किन मिल जाएंगे। जैसे अभी देखो मुझे स्किन मिल गई, तो इस तरह के स्किन मिलते होंगे, बट मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक ही बार में आपको 7-5 ऐसे मिलेंगे। उसके लिए आपको फॉर्चून 3 वाली पिकेक्स चाहिए, जिससे अगर आप तोड़ोगे तो देखो एक तोड़ूंगा मैं अभी, इतना तोड़ दिया और मुझे देखो अब कितना मिल गया होगा। देखो सीधा 45 में चला गया हूँ मैं, देखो ये नॉर्मल है, इसके अभी बड़े नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके एक ही मिला है मुझे। बट ये देखो अभी बड़े हो गए, देखो 1 से 53 हो गए, फिर से देखो 57। मतलब ये ट्रिक 100% वर्किंग है गाइस, आप भी अपने फॉर्चून 3 की पिक अगर आपके पास होगी तो आप उससे तोड़ोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। हैक नंबर 5। सो इस हैक में बताऊंगा कैसे आप एक अनलिमिटेड पोशन फार्म बना सकते हो। उसके लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसे मैंने अभी बनाया है। तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके ऊपर आपको एक बकेट वाटर डाल देना है, और उसके वाटर डालने के बाद ठीक उसके नीचे आपको एक कूलडाउन रख देना है, ठीक है। तो कूलडाउन रखने के बाद देखो उसके ठीक नीचे आना चाहिए कूलडाउन, और उसके ऊपर एक पॉइंटेड ड्रिफ्टस्टोन लगा देना है कुछ इस तरह का, और फिर आपको कूलडाउन में वो पोशन डाल देना है जो पोशन आपको अनलिमिटेड करना है, ठीक है। तो अभी मैं डालता हूँ पहले नाइट विजन का, तो अभी उसको अब वेट करना है जब तक ये फुल होता है, ठीक है, उसके देर लगती है थोड़ी, तो मैं वेट कर लेता हूँ। सो अभी देख सकते हैं फुल हो चुका है, तो अब इसे सिंपली आपको बॉटल्स में भर देना है पोशन, और फिर उसको बाद में फिर से भर देना है पूरा, ठीक है, इसको इसमें डाल देना है, फिर से अपने आप भर जाएगा, ठीक है। सो यही था हमारा 5th एंड फाइनल हैक। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी लेट है उसके लिए सॉरी, और अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी ज़रूर देखना, और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कर देना। सो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।